चाल के चली मुटिया हारे गड्डी शुकीन जट्टी दीनी। जिदा घर दे पुराने बुजुर्ग होंदे चाहिदे आ, सानू पुरानी चीजां दी कदर करनी चाहिदी आ, सानू उहनां नूं वैल्यू करना चाहिदा है। मैं कॉन्फ्रेंस हो तो पहली फ्लोर तो छत उन्हें मैंने गड्डी दिखाई, पेड़ा के तले खड़ी सी। मैं उन्होंने 30 सेकंड कहता भी है मैं गड्डी खरीदागा, बेशक वादू मेरे तो पैसे लेने जा, तू जाएगा अगले साल। 4 हफ्तों के उन्होंने मैं 23 डॉक्यूमेंट्स मैं इकट्ठे दिखाए, उन्होंने मैं सैटिस्फैक्शन के सारे पेपर उन्होंने दिखाए। उन्होंने मैं 10 अगस्त का टाइम दिता भी तुम गड्डी लैके आ जाओ, असं इतने गड्डी रजिस्टर करा देंगे। MVI का पहला कोई जिक्र नहीं हो, ऐसे MVI आया, उन्हें गड्डी देखी, कहिंदा ये तो हो ही नहीं सकती रजिस्टर। हार के मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल की, उत्थे नोटिस होया गड्डी का नंबर नहीं है, मैं गड्डी सड़क पर नहीं लैके जा सकता, गड्डी को तेल नहीं पवा सकता, गड्डी की सर्विस नहीं हो सकती, गड्डी का टायर प्रेशर नहीं चैक हो सकता, तो खड़ी खड़ी गड्डी खंडर हो जाएगी। वो भी इन्होंने जी 30 दिसंबर रिफ्यूज़ करता, सिंपली रिफ्यूजल फॉर द सेक ऑफ रिफ्यूजल। हाई कोर्ट के ऑर्डर मनने को तैयार ही नहीं सके। RLO ऑफिस नू डायरेक्शन हुई है कि भी यह 2 हफ्तों में यह व्हीकल रजिस्टर करना चाहिए। जो इन देखते होंगे सके अपनी छत तो कि यार खड़ी हुई है, कदों सड़कों पर आएगी, उदो महसूस की होंगे सर, दिल के चलता सगा कि कदों जित जंग जितेंगे, कदों चीज़ा जड़िया है मुकम्मल हो। मैं तो लिखती सी शौक से बी अपना घूमागा फिरंगा, तो फीलिंग्स ना गड्डी लैके आया सी। मैं तो सोचा भी रजिस्टर हो जाएगी 10 नूं तो आप 12 तरीक को इस गड्डी को चलावे। हादसा नहीं आया तुहानू कि यह किदां दी दलील होई है, किदां दा की तुसी की कहने पे हो कि इहदे उत्ते इस मुकाम दे उत्ते तुसी इस चीज़ नूं यह कहना कि रंग बिरंगी गड्डी नूं असीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिंदे, हसदे ही तुसी। सही गल है जी, इट इज़ इलॉजिकल। तुसी सड़क ते जिन्ने बंदे जा रहे हो उन्हूं पुछ लो तैनूं इह चीज़ की दिखदी है। मैं तो जी आई वॉज मैंटली प्रिपेयर्ड, बेशक मेरी गड्डी खंडर हो जाए पर मैं जंग नहीं छड्डा है। जनाब रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसी, मेरा नाम है लंकेश त्रिखा। मेरे पिछे जिहड़ी गड्डी देख रहे हो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सोहनी लगती पई है, लेकिन इसकी खास गल ये है कि एक गड्डी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुँच चुकी है। बड़ा इंट्रस्टिंग केस सीगा, हुण केस की सीगा। मेरे वर्गे बंदे नूं शौक सीगा कि टाइपराइटर इकट्ठे करा, पुराने टाइपराइटर इकट्ठे करा, लेकिन मेरे घर दे मैनू पागल समझते सिगे, मेरे रिश्तेदार मैनू कहंदे सी किहड़े चक्करां च पिया, कंप्यूटर का जमाना आ गया है, तू किदां दे शौक पाल के रखे हुए ने। लेकिन शौक की अहमियत उही शख्स चंगी तरह जानता है जिहदे दिल दे विच ओह शौक पैदा हुंदा है। हुण इह गड्डी दे पिछे दी जिहड़ी कहानी है ओह इह है कि जिहड़े शख्स ने इह गड्डी खरीदी उन्हां ने इस गड्डी दी रजिस्ट्रेशन नंबर दे लई एक लंबी लड़ाई लड़ी। 2019 दी ये गड्डी खरीदी हुई है, लेकिन 2020 दे विच जाके उन्होंने इंसाफ मिलया। मैं अपने मूँह ये कहानी नहीं दसांगा क्योंकि कहानी दसन वाला जिहड़ा स्टोरी टैलर होना चाहिए है, क्योंकि उहदे नाल हड बीती है, जानना उन्हां कोलों ही चाहिए है। रणजीत मल्होत्रा जी मेरे नाल हैगे ने, पेशे तो एक वकील ने, तो बड़े ही चंगे सुभाव मुहज़्ज़ब किरदार दे वो एक कह लो कि एक शख्सियत हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम रोजाना स्पोक्समैन। हाँ जी लंकेश जी, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, तुम समय कढ़ के आयो। हुण मैं इहना पूरा जंग लड़िया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो पूरे प्रिंसीपल के असूल के गलों पर, तो फॉर्चुनेटली एक तो मैं तुहाड़ी गल तो बहुत इंप्रैस हाँ। तुम क्या भी पुरानी चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए है, जिदा घर के पुराने बजुर्ग होने चाहिए, सानू पुरानी चीज़ों की कदर करनी चाहिए है, सानू उन्हें वैल्यू करना चाहिए है। जे तुहाडा थॉट प्रोसैस है ना, यह मैं इस पर बहुत मैं टच कर गया। हुण होया की सीगा, असीं हुण 10-12 अंबैसियां का काम करते दिल्ली, मैं तो मेरे ब्रदर असीं वकीलों की इतने फर्म चलाते हैं। तो असीं पिछले साल अक्तूबर 2018 असीं यूरोपियन यूनियन की अंबैसी के लैक्चर करन गए सीगे, तो जिहड़े उत्थे दा पोलीटिकल हैड सीगा, जब साडा लैक्चर खत्म हो गया, मैं कॉन्फ्रेंस उत्तों पहली फ्लोर तो छत उन्हें मैनूं गड्डी दिखाई, पेड़ा दे तले खड़ी सी। मैं उन्हूं 30 सेकंड कहता भी है मैं गड्डी खरीदागा, बेशक वादू मेरे तो पैसे लेने जा, तू जाएगा अगले साल। मैंने अंबैसडर कार तो बहुत लगन है, क्योंकि मेरे जो फादर साहब सके वो बर्मा शैल के इंजीनियर से, गोरिया की कंपनी बड़ी हाई पोजिशन से, नाल जी साड़ी अंबैसडर कार खड़ी है 37 नंबर। असी इस गड्डी साढ़े को 73 मॉडल है, इस गड्डी विदेच छोटे बच्चे वगैरह असी 3 भरा है, असी अपना रोहतांग पास जम्मू नगर जम्मू श्रीनगर चक कई बार गए हुए हैं। तो अंबैसडर कार है हुण जिहड़ी गड्डी हैगी, इट्स लाइक अ मैंबर ऑफ द फैमिली। असी पुरानी गड्डी नूं पेंट कराया, तो मैं गल करती जद फिर मैं की किया जी, मैं जब यह बंदा जान लगा उन्हें मैनू कंटैक्ट किया,
फिर मैं जी वो गया, उन्हें मैनू गड्डिया की मैं 15 फोटो लिती। मैं चंडीगढ़ 17 सैक्टर टाइम लैके इतने रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को गया, ऑफिसर को गया, मिस्टर कोहली है। मैं उन्होंने को 7 गेड़े मारे 4 हफ्तों के उन्होंने, मैं 23 डॉक्यूमेंट्स मैं इकट्ठे दिखाए, उन्होंने मैं सैटिस्फैक्शन के सारे पेपर उन्होंने दिखाए। उन्होंने मैं 10 अगस्त का टाइम दिता भी तुम गड्डी लैके आ जाओ, असं इतने गड्डी रजिस्टर करा देंगे। 9 अगस्त को मैं शाम को दोबारा कन्फर्म कर गया, उन्होंने मैंने कहा जी तुम जरा क्राइम रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट है सैक्टर 17 के थाने उत्थे जाके तुम एक क्राइम ब्यूरो तो रिपोर्ट ले लो भी गड्डी ना चोरी की हुई है, ना लॉस्ट है, ना स्टोलन है, ना कोई प्रॉब्लम है। शाम के 4:30 सके 6 बजे तक बैठा पुलिस अफसर सियाना सीगा, उन्हें मैंने ओबलाइज करता। 10 अगस्त को जिहड़ा हुण गोरा डिप्लोमैट सीगा उहदा ड्राइवर गड्डी लैके आया, इन्होंने मैंने कहा कि भी 10 तरीक आना, 12 तरीक तुम्हें असं वीला कर देंगे। असी गड्डी लैके गए 10 बजे, मैं तो मेरे भाई साहब उत्थे सानू रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग अफसर कहिंदा जी तुसीं गड्डी लैके जाओ, तले ही उत्थे MVI आंदा है। MVI का पहला कोई जिक्र नहीं होया सी, MVI आया, उन्हें गड्डी देखी, कहिंदा जी ये तो हो ही नहीं सकदी रजिस्टर, गल ही ना करे सीधे मूँह, इंस्पैक्टर राज है ते जंगल राज है। मैं असी उन्हें बेनती की बई भाई तू सानू कोई नोटिफिकेशन दिखा दे, सानू कोई तू रूल दिखा दे, या तू कोई गजैट दिखा दे, या कचहरी का कोई फैसला दिखा दे, कुछ नहीं दिखाया, परे बस चल गया तुर के। फिर जी मैं इन्हों अप्रोच किया, मैं गवर्नर साहब को रैप्रजेंटेशन दी, इन्हों चंगा नहीं लग्या, बहुत नाराज़ हो गए। फिर मैं इतने सैकटरी ट्रांसपोर्ट को रैप्रजेंटेशन दी, वो भी बहुत काफ़ी गुस्से हो गए। मैं इन्हों 3 रैप्रजेंटेशन दी, इन्हें कोई जवाब ही नहीं दिता। हुण जे तुसी सरकारी नौकरी करते हो कोई अकाउंटेबिलिटी होंदी है, आफ्टरऑल तुहाडे वर्गे मेरे वर्गे बंदे जिहड़े मेहनत करते हैं ईमानदारी नाल टैक्स पे करते, इन्हां दी तनखावां उत्थों ही निकलदी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर जी हार के मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल की, उत्थे नोटिस होया, लंबी कहानी है। फिर 23 दिसंबर नूं उहदे बाद होया कि जी अपना हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया भी तुसीं गड्डी दी इंटरिम रजिस्ट्रेशन कर दो इंडिपेंडेंट ऑफ द इशू ऑफ कलर, क्योंकि मैं बेनती की भी मेरे को गड्डी का नंबर नहीं है, मैं गड्डी सड़क पर नहीं लैके जा सकता, गड्डी को तेल नहीं पवा सकता, गड्डी की सर्विस नहीं हो सकती, गड्डी का टायर प्रेशर नहीं चैक हो सकता, तो खड़ी खड़ी गड्डी खंडर हो जाएगी। वो भी इन्होंने जी 30 दिसंबर को रिफ्यूज़ करता, सिंपली रिफ्यूजल फॉर द सेक ऑफ रिफ्यूजल, हाई कोर्ट के ऑर्डर मनने को तैयार ही नहीं सके, चलो जी करता। फिर तरीका पै गया, कोविड आ गया, हुण 2 जुलाई में मेरे वकील साहब है बड़े काबिल, मेरे चंगे मित्र भी है मिस्टर सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली, उन्होंने बहस की, हुण यह फैसला आ गया ते चंडीगढ़ अपना सैकटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट RLA ऑफिस RLO ऑफिस नूं डायरेक्शन हुई है कि भी यह 2 हफ्तों में यह व्हीकल रजिस्टर करना चाहिए। बेसिक जो मुद्दा सीगा सैक्शन 52 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988, वो कहता जी स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन, तुसी अज दी तरीक विच इन टर्म्स ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट तुसी इंजन बदल लो, चेसिस बदल लो, CNG किट बदल लो, वो भी अलाउड है। तो वॉट हैज़ जिहड़ी बहस करी गई है कि भी इहदा बेस कलर चिट्टा हैगा, बाकी यह सिर्फ आर्टवर्क हैगा, यह मैक्सीकन स्ट्रीट आर्टिस्ट सेंको है जिन्हें कि मैक्सीकन आर्टिस्ट है दिल्ली के विच, जिहड़ी वो लेडी अंबैसडर है, वो एक आप ऑटो चलाती है विद द सेम आर्टवर्क। हुण देखो जी यह जिहड़ा मैं जंग लड़िया है, हुण पता नहीं किन्ना होर लड़ना पएगा, यह एक प्रिंसीपल के तौर पर है, तुसीं लोकां नूं इहदा धक्का नहीं कर सकते। हुण मैं होर एक मैं ना आर्टिकल कढ़िया सीगा, बहुत इंट्रस्टिंग है, यह आर्टिकल छपिया पिछले साल इन डेट है दी 21 अगस्त 2019 इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस इज रिटन बाय जस्टिस मदन लकूर हु वॉज अ वेरी वेल नोन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने ना एक पॉइंट बड़ा चंगा कढ़िया, कहिंदे जी असी सारा टाइम कहिंदे रहिंदे जी देखो जी एरियर्स इन्ने हैगे, जज कट हैगे, जज काम नहीं करते हैगे, पर इन्होंने एक जिहड़ा एनालिसिस किया, कहिंदा जी देखो सरकार सब तो ज़्यादा मुकदमेबाजी करती है, तो वह मुकदमेबाजी क्यों है, क्योंकि इस किस्म के गलत फैसले आते हैं, ना वो अपना दिमाग लाते हैं, ना वो अपना काम करना चाहते हैं, तो वह कचहरिया के जेडे डॉकेट है केस के नंबर ऐड करते हैं। फिर इसी सिचुएशन इट इज़ रोंग, एक गलत है कि पब्लिक कई भी जुडिशरी विद एरियर्स बहुत हो गए, साड़ी केस की सुनवाई नहीं होंगी, क्योंकि इस किस्म की यह प्रॉब्लम हैगा जब तक यह माइंड सैट नहीं बदला जाएगा। मतलब हुण एक होर गल आती है, चलो जी रब की बड़ी मेहर है, रब ने मैनू रसूख दिती है, रिसोर्सिज दिते है, नॉलेज दिते है, मित्र दिते है जिन्हें मेरे नाल खड़े होकर मेरा हाथ फड़ के उन्होंने मेरी मदद की। पर जे तुसी सोचो जे कोई आम आदमी होंदा उहदा की हाल होंदा, गड्डी तो खंडर ही हो जाती। मैं उही दोस्तों जिहड़ी इस कहानी दी इस दे किस्से दे पिछे जो एक छोटा जिहा इतिहास है वह जानना बड़ा जरूरी है। वह जानना क्यों जरूरी है,
आम शख्स कौन हुंदा है? आम बंदा वो हुंदा है जो सिर्फ धक्के खांदा है दफ्तरां दे विच जांदा है, सरकारी दफ्तरां दे विच इत्थों तक कि मिनटां तक कर दिंदा है कि सर मेरा काम कर दवो, बहुत जरूरी हैगा। लेकिन इन्हां दे नाल मिलाना जरूरी इस करके भी सीगा, एक गड्डी दिखानी इस करके भी जरूरी सीगी क्योंकि इन्हां दी बदौलत एक एग्जाम्पल सैट होया, एक उदाहरण जिहड़ा हैगा कल नूं दुनिया रहिंदी उम्र तक देगी कि यार रणजीत मल्होत्रा वर्गे लोग सीगे जिन्हां ने अपनी बैटल अपनी जंग लड़ी ते रहिंदी उम्र तक जिहड़ा उदाहरण हैगा रहिंदा रहेगा। मैनूं एक चीज़ दसो, हाँ जी, ये जिहड़ी गड्डी हैगी है 2019 तो तुहाडे नाल हैगी है, जदों इहनूं देखदे हुंदे सीगे अपनी छत तों कि यार ये खड़ी हुई है कदों सड़कां ते आएगी, उदों महसूस की हुंदा सीगा, दिल दे विच की चलदा सीगा कि कदों जित जंग जितांगे, कदों चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने मुकम्मल होणगियां? देखो जी, मैं तां लिती सी शौक ते बई अपना घूमांगा फिरांगा लोकली, यह एक किस्म दा मैनू कोई खुशी देगी, कोई मेरे यार दोस्त मित्र होंगे जिन्हां दे घर दे विच कोई स्पैशल फंक्शन आ जाए, कोई बर्थडे आ गया, एनीवर्सरी आ गया, विआह आ गया, या कोई भी मैनू मित्र रिक्वेस्ट करदे वी मैनू तुहाडी गड्डी चाहीदी है, इट वॉज़ अ पीस ऑफ आर्ट। हाँ, पर मैं तां जी बड़े असीसां नाल खुशी नाल ते फीलिंग्स नाल गड्डी लैके आया सी। मैं तां सोचा वी रजिस्टर हो जाएगी 10 नूं तां आपां 12 तरीक नूं इस गड्डी नूं चलावांगे। पर एक होर गल है, वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज़ दैट जिहड़ा फैसला आया है ऑन दिस सबजैक्ट, मैं बड़ा रिसर्च किया सीगा, यह पहला फैसला है ऑन द इशू ऑफ कलर, एक जजमेंट हैगी विच गोज़ टू से एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2019 विच हैज़ बीन साइटेड। और मैंने एक चीज़ दसो, जब उन्होंने ये चीज़ कही कि गड्डी का कलर सफेद सीगा ते तुसी इनू रंग बिरंगा लैके आ गए हो बना के, वो आर्टिस्ट ने सेंको ने बनाया इनू, हासा नहीं आया तुहानू कि यह किदां दी दलील होई है, किदां दा की तुसी की कहने पए हो कि इहदे उत्ते इस मुकाम दे उत्ते तुसी इस चीज़ नू इह कहना कि रंग बिरंगी गड्डी नू असीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिंदे, हसदे हीगे तुसी? सही गल है जी, इट इज़ इलॉजिकल। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਇਲੋਜੀਕਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਹੈਂਡਡਨੈਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਵੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। खैर दोस्तों, कहानी सिर्फ कहानी नहीं हुंदी है, कहानी दे पिछे एक वड्डा मैसेज जुड़िया हुंदा, एक संदेश जुड़िया हुंदा है। ये कहानी दसनी क्यों जरूरी सी? ये कहानी इस करके दसनी जरूरी सी क्योंकि लापरवाहियां हैगियां ने, जिद्दबाजी हैगी है, कितने ना कितने प्रशासन की भी ईगो हुंदी है कि जाओ नहीं करते, लेकिन फिर इहो जिहे लोग खड़े हुंदे ने रणजीत मल्होत्रा वर्गे जो फिर नत्थ पाणा जाणदे ने, जिन्हां नूं पता हुंदा है कि किस तरह गड्डी नूं वापस पटरी ते लै के आना ते किस तरह सबक सिखाना। ये सीगे रणजीत मल्होत्रा जी की, यह है प्यारी जी गड्डी, सोहनी जी, जिस नूं बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल बनाया गया। मैं लंकेश त्रिखा, कैमरा परसन दलवीर दे नाल, रोज़ाना स्पोक्समैन दे लई।